हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लास बाय सिटी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक फाइंडिंग द सम ऑफ एंथ टर्म। यानी एपी में जितने टर्म होते हैं तो उसमें से कुछ टर्म का हम सम भी निकाल सकते हैं। तो फार्मूला सम ऑफ द एंथ टर्म का फार्मूला है एस एन इजिकल टू एन बाई टू, दो फार्मूला है ना, एन बाई टू ब्रैकेट टी वन प्लस टी एन, यानी टी वन मतलब फर्स्ट टर्म, टी एन मतलब लास्ट टर्म। दूसरा एस एन इजिकल टू एन बाई टू इंटू इन ब्रैकेट टू ए प्लस अगेन इन ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट कम्प्लीट। तो मैक्सिममली सेकेंड फार्मूला जो है हमें याद यूज करना पड़ता है मैक्सिमम टाइम्स। ओके, जैसे अभी एग्जाम्पल दे दिया है, सम ऑफ द 20 टर्म फाइंड करना है, ये भी दिया है 4, 9, 14, 19, सो ऑन। इसमें अभी डी निकल सकते हैं 9 माइनस 4 भाई, और ये वाला भी ये मतलब फर्स्ट टर्म है टी वन। ये फार्मूला देखेंगे, ये फार्मूला में सभी 20 टर्म का सम निकालना है, तो अभी 20 हमें डालना पड़ेगा। फार्मूला लिखेंगे एक्सएल का, इसमें टू एन जीरो ट्वेंटी ए इक्वल टू फोर, थ्री इक्वल टू फाइव, एस ट्वेंटी इक्वल टू ट्वेंटी ओवर फाइव। इस फार्मूला को करेंगे टू ए दैट इज टू इंटू फोर, एन माइनस वन इंटू फाइव, टेन इंटू दिस वन ए प्लस 19 इंटू फाइव। सॉल्व करेंगे, आंसर है 1035। तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये बोर्ड मास पैटर्न से सॉल्व करना है, उनसे बोर्ड मास पैटर्न। इस प्रकार से अपना एस 20, एस 20 की वैल्यू 1030। नेक्स्ट सम इज फाइंड ए डी एंड एस 11 इन गिवन एपी, दिस इज सीक्वेंस ऑफ एपी। ये जो है ये की वैल्यू फर्स्ट डायरेक्ट में लगती है, डी माइनस एट माइनस दिस थ्री, तो माइनस एट माइनस माइनस प्लस थ्री दैट इज माइनस फाइव। एस एन निकल फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, अगेन पुटिंग एस 11 है मतलब एन की वैल्यू 11, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू से पुट करेंगे इस प्रकार से। अब 11 बाई टू डिवाइड नहीं होता तो उसे वैसे रखेंगे, फिर ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, 11 माइनस वन टेन इंटू माइनस फाइव, फिर ये वाला सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई माइनस सिक्स माइनस फिफ्टीन, 11 बाई टू इंटू दिस वन माइनस 56 आप कटिंग बटिंग 2 इंजा 2 ओके एंड 2 इज 28 इंजा, तो 11 इंटू माइनस 28 माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 308 इसका आंसर। नेक्स्ट फाइंड द एस एन, एस एन निकालना है ए पी, तो ए इज इक्वल टू 3 रहेगा, बी 7 माइनस 4 इस फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे एस एन निकलना है मतलब एन की वैल्यू पे दी नहीं, एन वैसे को वैसे रखना है, यानी एक्सप्रेशन के फॉर्म में आएगा एस एन की वैल्यू, एन को वैसे रखना है, यहाँ पे भी एन वैसे रखना है, यहाँ पे भी ए और डी की वैल्यू पुट करना है। इधर में 2 इंटू 3 6, यहाँ पे इस प्रकार 6 माइनस 4 2 प्लस 4 एन, फिर यहाँ पे ये वाला जो है इसको मल्टीप्लाई इसी में मल्टीप्लाई, यानी एन बाई 2 इंटू 2 एन बाई 2 इंटू 4 एन, यहाँ पे 2 2 कट गया एन बचा, यहाँ पे 2 जो 2 2 2 जो 4 और एन इंटू एन एन स्क्वायर दैट इज टू एन स्क्वायर, इस प्रकार से आंसर आएगा। ये भी आंसर चल सकता है, या फिर यहाँ पे कॉमन निकला ये एन, तो यहाँ पे बचेंगे वन और यहाँ बचेंगा टू एन, तो ये भी निकल सकता है, दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट इज फाइंड एन इफ एस एन इज इक्वल टू 90, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर सम ऑफ द एन टर्म इज 90, तो ये भी दिया हुआ है, इसमें ए की वैल्यू निकालेंगे 2, डी की वैल्यू निकाली 4 माइनस 2, एस एन का फार्मूला मैंने लिखा ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे पुटिंग की वैल्यू एस एन की वैल्यू दी 90, इस प्रकार से हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद फिर ये जो नीचे का 2 है इधर मल्टीप्लाई कराएंगे इस एन बाई 2, ये 2 इस साइड में आएगा मल्टीप्लाई में, इस प्रकार से ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 इंटू एन 2 इंटू माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पे जैसे ये वाला पहले ओपन करना है, इस प्रकार से जरूरी है ओपन करना, और फिर 4 माइनस 2 2 इस प्रकार से आएगा इक्वेशन, फिर इसी सेट में लग जाएंगे इक्वल टू 0 मतलब 2 एन स्क्वायर प्लस 2 एन, इधर में आएंगे माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी पूरा 2 से डिविजल है तो 2 से डिवाइड किया इसको, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 90 इक्वल टू 0, फिर फैक्टराइज मेथड से ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई माइनस 90 और सब्ट्रैक्शन 1, तो 10 और 9 ये दो नंबर है, इसलिए इस प्रकार से
ये हम फार्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 10 सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, n इक्वल टू 10 है ना और n इक्वल टू -9, ठीक है। तो ये -9 नंबर ऑफ टर्म्स -9 लेते हैं दिए गए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स -9 रहता है इसलिए रिजेक्टेड है, वो n इक्वल टू 10 ये अपना फार्मूला आंसर आएगा। नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। तो गिवन ए बी, अभी आपको कौन सा है इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डैश, ओके, ए इक्वल टू 2 एंड ए इक्वल टू आल्सो 2। फिर हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर यानी 123, यस 123 फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम एन की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 2 करके यस 123 भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से एसएन का जो है सम ऑफ द एन टर्म्स मतलब ए बी, तो ये हम आज हमने फार्मूला और इसके एग्जाम्पल देखे पढ़ लिया, अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, ओके।